बुद्धं शरणं गच्छामि। सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन से सभी देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन 14 अप्रैल की बधाई देता हूं। और हम खड़े हैं पार्लियामेंट पर, जहां पर लोग कई लाखों की संख्या में बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पर एक इंडियन बैंक SC ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन वेलफेयर एसोसिएशन का स्टॉल है, जो लोगों को खाना और जो भी हेल्प उनसे होता है वो करते हैं। तो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं केवल किशन जी से बात करेंगे। केवल किशन जी, मैंने जो ये मुहिम शुरू करी है, मुझे काफ़ी दिन से एक तकलीफ थी दिल में। मैं काफ़ी दिन से अंबेडकर प्रतिष्ठान, जिसके अंडर ये पूरा डिपार्टमेंट आता है जो लिटरेचर छापता था और जहाँ पर ये बुक इजीली मिल जाती थी सबको, तो 2-3 साल से मैं वहाँ काफ़ी ट्राई किया, मुझे नहीं मिल पाई। हालांकि मैंने पढ़ लिया था बहुत पहले, सारा 21 वॉल्यूम पढ़ चुका हूँ पहले एक बार। तो लेकिन चाहिए था कि भाई जब हम किसी ठोस प्रमाण के साथ हम जा रहे हैं ऑनलाइन TV पे, तो कोई कल को सवाल खड़ा करे। तो घर बड़े मुश्किलात से वो सब इकट्ठा किए, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो आप हमारे इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं कि जो लिटरेचर बंद हो गया और हम उसको डायरेक्ट लोगों को TV के YouTube चैनल सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं कि बाबा साहब की विचारधारा थी? जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की जो सोच है, मेरा ये मानना है कि वो आजकल लोगों के दिमाग में वही चीज़ बैठाना चाहती है, वही चीज़ पढ़ाना चाहती है जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं। किताबों से बाबा साहब से संबंधित, बाबा फूले के संबंधित और हमारे जितने भी रहे हैं, किसी का भी साहित्य में धीरे 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 ये ख़त्म करते जा रहे हैं। अब वो सिर्फ ब्रेन वॉश ऐसा कर रहे हैं कि जो वो पढ़ाना चाहते हैं हम वही पढ़ रहे हैं और उससे आगे हम बढ़ नहीं पा रहे। इसलिए आगे आने वाले समाज को जो है हमारे समाज के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा, और वो उनकी जो मंशा भी यही है जिसमें वो धीरे धीरे सफल होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग जो मतलब जागरूक हैं उनको इस चीज़ को फैलाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। देखिए, किशोर साहब ने बताया अभी समाज एक सीधा सीधा मैसेज है, आरोप भी है, सरकार पर भी आरोप है, मेरा भी आरोप है कि सरकार जो चाहती है वो अपनी संस्कृति को थोपना चाहती है, जिसको मैं खुलेआम बेवाक शब्दों में बताऊंगा आपको, हिंदू धर्म की संस्कृति को थोपना चाहती है। जो बाबा साहब जो संस्कृति, जो बुद्धिज्म देना चाहते थे, वो लिटरेचर को इसलिए ख़त्म कर रही है कि जितना लोग बाबा साहब के लिटरेचर और आइडियोलॉजी और विचार को पढ़ेंगे तो फिर वो बौद्ध धर्म की तरफ जाएंगे, हिंदू धर्म को छोड़ देंगे जी। जो लोग संविधान के पीछे पड़ गए हैं तो बाबा साहब को कैसे पीछे छोड़ेंगे? तो उन्होंने सबसे पहले तो ये काम किया है कि इनके साहित्य को जो है लोग पढ़े ना, किसी को पता ही नहीं लगे। जब तक पता नहीं लगेगा उनके विचारधारा में कैसे जुड़ेंगे, और जब तक जुड़ेंगे नहीं इसके हमारे संविधान की रक्षा हो नहीं सकती। आजकल एक ट्रेंड चला है, आपने भी देखा होगा, मैं तो देख ही रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, आप भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, संगठन चलाते हैं आप, सोशल नेटवर्किंग पे कुछ चीज़ अच्छी है। मुझे एक अच्छा लगा कि मैं एक अच्छा मैसेज दे सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ। एक सोशल नेटवर्किंग पर देखता हूँ मैं, खासतौर से जब से, नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का मुझे, मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, भीम आर्मी बनी है, तो भीम आर्मी का जितना भी मैं उसका वर्कर या उससे रिलेटेड जो लोग जुड़े हैं वो बड़े गर्व से लिखते हैं कि गर्व से लिखो मैं चमार हूँ, गर्व से लिखो मैं जाटव हूँ, गर्व से लिखो मैं वाल्मीकि हूँ, जाति के नाम से संबोधन करना शुरू किया जा रहा है। इसमें आपको क्या लगता है, कोई साजिश हो सकती है क्या? अंबेडकर बाबा साहब ये चाहते थे कि आप अपने नाम के पीछे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके और उसको आप पब्लिश करें, पब्लिसिटी? बाबा साहब ने कभी ऐसा नहीं सोचा, ना उन्होंने कहा। ये सब आजकल जो हम देख रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित होकर के लोग जो हैं कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, और ये क्योंकि जो ये सो कॉल्ड हिंदुत्व वाले जो लोग हैं उन्हें शुरू से चाहा है कि हमारा समाज बटा रहे, उनको जातियों में बांट दिया, और अब ये तो बिल्कुल ही जातियों में बांट वाली बात होगी। लेकिन जब आप जाति के नाम से संबोधन करेंगे, गर्व से लिखेंगे मैं चमार हूँ, मैं जाटव हूँ, तो जाति और हिंदुत्व बढ़ेगा, तो आप बाबा साहब, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वो बाबा साहब के सिपाही ही हैं। नहीं, आप सिर्फ बाबा साहब के सिपाही कैसे हो? आप सिर्फ जय भीम बोल दीजिए बस जी, आप सिर्फ वो ही बहुत है जी। मैं और रखिए दलित, आप सारे जो हैं दलित हैं बस। तो ये आपने किशोर साहब के विचार सुने। दूसरा, मैं देखता हूँ कि जब कहीं रिजर्वेशन पर चोट होती है या कहीं अत्याचार होता है, दलित उत्पीड़न जिसको बोलते हैं या बहुजन उत्पीड़न आप लोग बोलते हैं जिसको,
वहाँ तो आपको अंबेडकर याद आते हैं, ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको, ये ग्राउंड पे है, वहाँ पर संविधान भी याद आता है, दलितों को भी याद आता है, बहुजन को भी याद आता है। थाने में जाएंगे तो थोड़ा समझदार सा व्यक्ति जाएगा, वो संविधान के आर्टिकल बताएगा कि ये धारा के अंदर ये कानून है और इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन बाबा साहब ने एक चीज़ जो दी समाज को चेंज करने के लिए, उस पर लोग काम नहीं करते हैं। मेरा प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस अभी है, मैं सोशल एक्टिविटी में तीसरी चौथी क्लास से मैं सोशल एक्टिविटी रहा हूँ इतने बचपन से। तो जो बुद्धिज्म बाबा साहब ने दिया उस पर खड़ा कर रहा हूँ आपके साथ, एक आप भी हैं तो आप भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। बुद्धिज्म में कहीं चोट होती है या बुद्धिज्म में अडॉप्ट करने के लिए लोग बात क्यों नहीं करते हैं? अगर बाबा साहब की बात करते हैं और बाबा साहब को मानते हैं आप, तो फिर बुद्धिज्म की बात क्यों नहीं होती? बात भी होती है, मैं हम क्योंकि हम नागपुर जाते हैं वहाँ देखते हैं जा करके वो अपना। तो देखिए, किशोर जी का मानना है कि लोग जुड़ रहे हैं बुद्धिज्म से भी, बाबा साहब से प्रभावित होकर के बुद्धिज्म की तरफ भी जा रहे हैं, तो ये बहुत एक अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है और होना भी चाहिए। किशोर साहब, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं आपको याद है क्या? सारी तो याद है। ये थोड़ा सा एक सवाल किशोर साहब के ऊपर भी खड़ा हो जाता है कि बाबा साहब के ऊपर किशोर साहब से भी भाषण मांगेंगे तो लंबा दे देंगे, और 22 प्रतिज्ञा याद नहीं है, तो मैं आज आपको अगली बार मिलूंगा अगले साल इसी के साथ कि आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं बताएंगे और आप लोगों को भी बताने का काम करेंगे। हमको जरूरी नहीं है कि आपको बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट मिल जाए, कम से कम आप 22 प्रतिज्ञाएं मान लेंगे तो समझ लीजिए आप अपने आप में बुद्धिज्म हो चले। ज़्यादातर आप किशोर साहब बताइए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बाबा साहब की फ़ोटो भी रखेंगे साथ में, जो आपके जो दूसरे आधे 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 क्या बोलूँ उनको नहीं कहना चाहिए, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब आधे आदमी और आधे कुछ रहते हैं। 33 करोड़ में से। हाँ, 33 करोड़। अरे वाह, क्या बात है, 33 करोड़ है, मालूम है आपको। तो उनको साथ में, बाबा साहब के साथ में उनको कैसे बिठा सकते हैं आप? हाउ इज पॉसिबल? बाबा साहब की आइडियोलॉजी में तो कहीं है नहीं ये, ये जवाब देना है भैया, बदलाव कैसे आएगा, क्या तरीका है? जवाब देना चाह रहे हैं सिंह जी, ये हमारा जो समाज है अभी परिवर्तनशील है। जैसे आप देखें हिंदुस्तान में सिख हैं, जैन हैं, वो अभी पूरी तरह जैन भी नहीं, जैन पूरी तरह जैन नहीं है, सिख पूरी तरह सिख नहीं है, वो हिंदू धर्म के भी त्यौहार मनाते हैं और अपने जैन के मनाते हैं। उसी तरह हमारा समाज भी जुड़ना चाहता है लेकिन अपनी रूढ़िवादिता की वजह से, क्योंकि हमारे जो हमारे पीछे पूर्वज रहे हैं उनकी वजह से वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा समाज, जो अब नई पीढ़ी जो आ रही है, वो ये चीज़ समझ रही है कि हम इसके साथ रह के अपने आप को हम आइडेंटिफाई अलग से नहीं कर पाएंगे, तो वो छोड़ रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। मतलब मैं मानता हूँ कि मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह है। तो महेंद्र पाल सिंह जी कह रहे हैं कि बुद्धिज्म को समझने में, बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म दिया उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और परिवर्तनशील है, थोड़ा समय परिवर्तनशील है, और हम भी आशा करते हैं महेंद्र पाल जी और आपकी एसोसिएशन से कि अगली बार आए तो कम से कम 22 प्रतिज्ञा आपको पता। जन्मजात बुद्ध हूँ, मैं जन्मजात बुद्ध हूँ जी जी, मेरे पिताजी बुद्धिस्ट थे जी, 1956 में उन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया था। बहुत अच्छे, और हम आशा करते हैं कि आपकी एसोसिएशन इस तरफ और कारगर काम करेगी। सर बधाई के पात्र हैं अगर आप ये कदम उठाया आपने कि बाबा साहब लिटरेचर को इसी माध्यम से आप पब्लिक तक पहुँचाना चाह रहे हैं, हमारे समाज तक पहुँचाना चाह रहे हैं। हम आपके साथ, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सर आप हमारे अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल पर आप डेली देख सकते हैं, डेली एपिसोड होता है एवरेज, और बाबा साहब ने जो लिखा है कोई अपनी तरफ से एक वर्ड हम ऐड नहीं करते हैं, उसी को ट्रांसलेट करते हैं, उसी को बताते हैं कि बस ये कि हमारे पास बड़ा माध्यम नहीं है, छोटा माध्यम है सोशल नेटवर्किंग का, उसके थ्रू जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। मैं भी इसमें कुछ कहना चाहूँगा, इसमें जो जाति का समूह जो है ना जी, वो बुद्धिस्ट बनने के बाद भी छूटता नहीं है। क्या आप अपनी अपनी जाति को साथ लेके चलते हो? ये कारण मूल में छुपा हुआ है कि हम साथ, ये तो भ्रमित मानिए, माफ़ी चाहूँगा, आप भी काफ़ी सीनियर हो, ये एक धोखा है। धोखा तो मैं 1998 में बुद्धिज्म अडॉप्ट किया, भिक्कू सतपाल जो उस टाइम अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुद्धिस्ट स्टडी डिपार्टमेंट के HOD हुआ करते थे और बनते तीस गुप्त थे। मैं बताऊंगा आपको, कारण मैं बताना चाहता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा बात रखी है अपनी कि इसके कारण ये हैं, ये कारण नहीं है, ये आपका कहीं ना कहीं इसमें एक मतलब सोच है या एक चोरी कर रहे हैं, एक तरीके से चोरी है, ये फैक्ट है। मैं जब मेरा नाम था गांव का, तो गांव में तो हमारे समाज के बहुजन समाज कह लीजिए, दलित कह लीजिए,
चमार कह लीजिए, जाटव कह लीजिए, वाल्मीकि कह लीजिए, बंगी कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है, सब एक ही बात है। तो मेरा नाम जो गांव का था वहां पे वो डाला था, डाला गांव में डाला बोलते थे, स्कूल में नाम था डालचंद। हमने कहा यार थोड़ा सोशल एक्टिविटी में तीसरी चौथी क्लास से पढ़ गए थे तो जोगिंदर कवाड़े एक आरपीआई के लीडर थे, एक बार एमपी रहे नागपुर से, महाराष्ट्र से आरपीआई से, उनके साथ भी रहे बचपन से ही, ऐसे शुरुआत एक्टिविटी में रहे छोटेपन से, कभी बीपी मौर्य जी की रैली में चले गए, तो सब चीज़ों को मैंने एनालाइज किया। मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं एमए शास्त्र और ये मैंने इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा किया है, मैंने टेक्निकल एजुकेशन है मेरे पास, बट ये सोशल नहीं पढ़ा है कभी, सोशल से प्रैक्टिकल लाइफ से सीखा है। तो हमको बताते थे कि भाई जो बीपी मौर्य साहब थे उनका नाम भगवती प्रसाद था, तो उन्होंने क्या किया कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य बुद्धिस्ट थे तो बौद्ध वंश में ही आ गए, तो उन्होंने अपने नाम के आगे बीपी मौर्य जोड़ लिया। लेकिन जब असलियत पता लगा तो पता लगा कि उनका नाम भगवती प्रसाद मौर्य था। तो आप मुझे बताइए कि वो बदलाव कहाँ से दिखता है आपको, कैसे दिखेगा? मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब तक मैं समूह को एक चीज में नहीं बांधोगे, मैं कहता हूँ भगवती वो शॉर्ट में कर लिया, शॉर्ट में कर लिया उनका, ऑन पेपर की में रहा होगा, लेकिन ऑन पेपर ये रहा। मेरा मानना ये है कि जातियों को जब तक ये जो शेड्यूल का नहीं, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, आपकी बात सुनूंगा, मैं थोड़ा सा टॉपिक पूरा कर लूँ, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये बात, जब आपको तिलांजलि देनी है किसी को तो उसको आप आधे में अधूरे में देंगे तो तिलांजलि सफल नहीं मानी जाएगी। मैंने तिलांजलि दिया, पूरी तरीके से दिया। जब मैंने 98 में तय किया तो कई चीज़ें परेशानियां मेरे सामने हैं, वो शेयर करना चाहता हूं ताकि लोगों को पता लगे, भाई नाम बदलोगे तो अखबार पेपर में कैसे बदलेगा, आपके सर्टिफिकेट में नहीं बदलेगा। बड़ा हुआ खड़ा किया, कई लोगों ने यार दोस्त पूछते थे भाई कैसे कैसे होगा, खैर एनीवे हमने फाइट किया और उसका प्रोसेस सब पता किया, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं था, एक गए उसमें अखबार में, उसने 20 रुपये या 100 रुपये उस ज़माने में जो फीस रही होगी, 20 रुपये थी शायद, वो अखबार में एक आर्टिकल दिया और एक 50 रुपये का या 20 रुपये का एक एफिडेविट बनवाया, सब जगह लगा दिया, सब जगह बदल गया और हमने सीधा तिलांजलि दिया। अब इसमें देखिए दो चीज़ें आती हैं निकल के, मैं इसको डालचंद को डीसी गौतम कर दूं और फिर मैं कहूं कि मैं बुद्धिस्ट हूं, समझ रहे हैं सब, तो वो फिर आपका 50-50 वाला मामला हो गया। और फिर मैंने क्या किया पूरा, आपकी बात रखेंगे, मैंने क्या किया पूरा कि यार जब तिलांजलि देनी है, जब किसी को लात मारनी है तो पूरी लात मारो ना कि जाके दूर ही पड़े, और लात भी ऐसी मारो को यहीं सामने पड़ा है तो फिर लात कहाँ मारी आपने। तो मैंने क्या किया, वो डालू एंड डाला एंड डालचंद को तिलांजलि दिया और अपना नाम पूरा जो बौद्ध धर्म के हिसाब से जो जस्टिफाई करता है, जो साइंटिफिकली दिखता भी है, तो बंते जी से पूछा जो भिक्कू थे हमारे धर्म गुरु सतपाल जी के साहब क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा भाई गौतम और रत्न का मतलब क्या होता है, कहता है हीरे जवाहरात, मैंने कहा इससे अच्छा तो कुछ होगा ही नहीं। तो उसका प्रोसेस कोई बहुत बड़ा नहीं है, गौतम रत्न कर दिया, लोग भूल गए, थोड़े दिन तक तो बोलते रहे डालचंद डालचंद डालचंद, हम भी सुनते रहे भाई ठीक है, लड़ाई तो करेंगे नहीं किसी से, तो आज की डेट में धीरे धीरे गौतम रत्न हो गया। तो बदलने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप ठान लें तो कोई बड़ा काम नहीं है। अब आप बताइए, मैं ये कह रहा था कि आप चाहे हिंदू धर्म में ही रहो, मैं कहता हूँ कि आप बौद्ध धर्म मत अपनाओ, लेकिन जो आप जातियों का समूह जो है ना उसको किसी एक नाम से पुकारना शुरू कर दो तो आपको कुछ संगठित कुछ चीज़ लगेगी। अभी जैसे आपने शुरू में कहा था कि मैं चमार हूँ, जाटव हूँ, वाल्मीकि हूँ, ये सब मिटा के ना, आप दलित हैं तो सिर्फ दलित हैं। सर ये मिट रहा था काफ़ी हद तक कम हो गया था, लोग बहुजन कहने लगे थे, दलित भी खत्म हो रहा था, ये हमारे समाज को कोई इस्तेमाल कर रहा है, आप उसको आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको 24 करोड़ दिखाना है तो आपको एक शब्द यूज करना ही पड़ेगा, चाहे दलित। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि ये कहीं ना कहीं आपका समाज, हमारा समाज इस्तेमाल हो रहा है कि आप दोबारा से लिखने लगे कि गर्व से कहो मैं ये जाति का हूँ, तो ये कहाँ का ट्रेंड है, बाबा साहब ने कौन सा ये ट्रेंड दिया हमारे समाज को, कभी नहीं दिया। तो साथियों अभी हम बात कर रहे थे इंडियन बैंक SC ST एसोसिएशन में महेंद्र साहब और केवल कृष्ण जी के साथ में, उनके विचार आपने सुने और मुझे भी सुना। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, और आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अंबेडकर नेशन, और डेली आपको लाइव एपिसोड होता है बाबा साहब के विचारों के साथ, नए विचारों के साथ। जय भीम, जय भारत। बुद्धं शरणं गच्छामि।